जब तक वो संतों की वाणी से नहीं जुड़े हैं, जब तक वो सत्संग से नहीं जुड़े हैं, तब तक तो कई बार उनका प्रश्न होता है। भगवत गीता और भागवत एक ही तो है, ये दो कहाँ है? कई बार ऐसी भ्रांतियों में हम लोग भी रहते थे कि भागवत और भगवत गीता एक है, लेकिन पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बैठने के बाद सबको ये बोध हुआ, ज्ञान हुआ, समझ आई कि श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान की दिव्य लीलाओं पर, भगवान के दिव्य जीवन चरित्र पर, भक्तों की सुंदर भक्ति के प्रसंगों का भागवत है, स्कंदों से जुड़ा हुआ। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उच्चारित, व्यास जी भगवान के द्वारा बोली गई, श्री गणेश द्वारा लिखी गई, सनातन धर्म का आधार स्तंभ, और बड़े गर्व से कहूंगी कि आजीवन पूज्य बापू जी ने किसी ग्रंथ पे सत्संग किया, किसी ग्रंथ पे बापू जी ने विश्लेषण किया, अगर आज की भाषा में कहूं तो बापू जी की मास्टरी, उस पर तत्व के शब्द का तात्विक अर्थ बापू जी ने सहज में करके जन जन तक पहुंचाया, तो उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भगवत गीता। गुरुदेव के जहां भी सत्संग होते थे, सूरत या भारत में जहां भी आप लोग आते थे, सदैव आपने देखा कि लिखा मिलता था कि श्रीमद् भगवत गीता सत्संग समारोह। गुरुदेव ने पूर्ण जीवन इन ग्रंथों का, शास्त्रों का ज्ञान बांटा है। जय श्री कृष्ण। और इतने सहज रीति से बांटा है कि जो गीता पढ़ना बहुत कठिन समझते थे, जो भागवत के रहस्यों को समझना कठिन समझते थे, वो बापू जी ने हंसते खेलते सुंदर शैली से उस पवित्र वाक्यों की, महावाक्यों की डोरी से हम सबको बांध दिया। आज भी कितने लोग हैं जिनको नहीं पता कि गीता जी में श्लोक कितने हैं, कई तो अध्याय में भी चूक जाते हैं, लेकिन आज बहुत सुंदर व्यवस्था आश्रम की कि मध्यान्ह संध्या के बाद पूरी भगवत गीता अर्थात 18 अध्याय 700 श्लोक। बोलिए तो इस माला में पुष्प कितने हैं? 700। इन 700 पुष्पों की माला गुरुदेव ने अपने जीवन में संजोई। जब कई बार गुरुदेव ऋषिकेश, वशिष्ठ गुफा आदि स्थानों पर एकांत लेते थे, तो इन श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के अर्थ में गुरुदेव गोता लगाते थे, और वही परम ज्ञान साईं लीला शाह से प्राप्त होकर देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, जब हुआ आत्मा से अपना साक्षात्कार। गीताकार श्री कृष्ण की वाणी को समझना सबके बस की बात बोलो नहीं,
कई लोग गीता पढ़ते हैं और आधे में छोड़ देते हैं, क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? तो कहा समझ में नहीं आ रही। लेकिन गुरुदेव के सत्संग में बैठते हैं तो कहा अब पूरी समझ में आ गई। भगवान श्री कृष्ण के अर्थों को सहज अर्थ करके बापूजी ने उसे जन जन तक पहुंचाया। जब बापूजी धुंधुकारी की कथा बताते हैं, किसी को याद आ रहा है? वो बेटे को गोद में लेती है, कपड़े का होता है, तब बापूजी 2 मिनट जो अपने कपड़े का बच्चा बनाते थे स्टेज पर, याद है किसी को? तो उसको जो झूला झुलाते थे और उसको जो प्यार करते थे, तो कई बार लगता था बच्चा तो नहीं है बापू की गोद में। और धुंधुकारी की कथा ऐसी हम सबके दिमाग में है कि हमको कहो तो हम बता दें। तो ऐसा गीता का अमृत गुरुदेव ने सहज में बांटा। आज भी सुबह मैंने एक सत्संग बापूजी का चुना कि सब साधक देखें, उसमें आप सुनना आज की किस तरह बापू ने 18 अध्याय को ही प्रसाद रूप में बांट दिए। श्लोक गाना कठिन, उच्चारण करना कठिन, व्याकरण करना कठिन, लेकिन बापूजी के वाणी से सुनो तो लगता है इससे सरल तो और कुछ नहीं। क्योंकि गुरुदेव ने उसको सहज भाषा में कहा कि मैं अजन्मा अमर आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कहा नैनम छिंद्राति, क्योंकि जिसको कोई आग जला नहीं सकती, जिसको पानी डुबो नहीं सकता, जिसका कभी नाश नहीं है, वो ओमकार चिदानंद मैं हूँ। और बापूजी ने उसे सहज शब्दों में हमसे गवाया, अजन्मा है मरात्मा, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, भय में डर कर रो रहे हो, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, लेके क्या आए थे और लेके क्या जाओगे। उन्हीं छंदों को गुरुदेव ने समझा दिए। फिर भी भगवान श्री कृष्ण गीताकार ऐसी सूक्ष्म वाणी बोले हैं कि आज तक भारत देश में कितने टीका है उसके ऊपर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के एक एक शब्दों का आनंद संतों के कंठ, संतों की वाणी से जुड़कर मिलता है। वो घर घर नहीं, वो हिंदू हिंदू नहीं, वो सनातन धर्मी नहीं जिसके घर में श्रीमद् भगवत गीता नहीं, जिसके घर में माँ तुलसी का पौधा नहीं, जिसके घर में संत महापुरुष संतों के श्री चित्र नहीं। यही तो सनातन धर्म की महिमा है।